हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपकी पुष्पा लेके आई है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। एक्चुअली आज क्या हुआ कि मेरे बेटे का था एग्ज़ाम और वो कह रहा कि मम्मी अब दो मिनट में जो कुछ भी बन जाए आप मुझे प्लीज़ जल्दी से दे दो। तो मैंने सोचा दो मिनट में क्या बन जाएगा, फिर मैंने देखा कि मेरे पास कुछ पापड़ रखे हुए थे। तो मैंने पापड़ की ये जब रेसिपी बनाई ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ये क्रिस्पी है और ख़ास बात ये है कि ये बहुत जल्दी बन करके तैयार भी हो जाती है। और इसमें मैंने बहुत स्पेशल सब्ज़ी भी डाली हुई है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो सब्जियों को खाने में बहुत ही आनाकानी करता है। तो मैंने भी आज सोच लिया था कि मैं उसको सब्जी भी खिलाऊंगी और ये बहुत ही हेल्दी उसके मनपसंद का नाश्ता भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए समय भी कम लगेगा और ये बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो। देखिए, आप इसमें देख भी पा रहे होंगे ये पूरा अंदर भरा हुआ है और मैंने इसको सिर्फ एक मिनट में बना करके तैयार भी किया है। इसको बनाने में भी हमें समय बहुत कम लगा है और ये हेल्दी भी है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि मेरा बेटा तो खा करके इसको खुशी हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इसको हम बनाने। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपने ले लिए हैं इस तरह से ये पापड़, तो आपको जितना भी बनाना उसी हिसाब से आपको पापड़ों को ले लेना है। ये मूँग के दाल के पापड़ हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हो। इसके बाद आपको किसी बर्तन में आपको पानी को डाल लेना क्योंकि पापड़ ये काफ़ी बड़ा है तो मुझे बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से इसमें पानी डाल दिया और आपको दो चार बार इसको पलट करके दोनों साइड से पानी में अच्छे से इसको भिंगो लेना है। तो ये देखिए, मैंने सारे पापड़ों को इस तरह से पानी में भिंगो लूंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो पापड़ है वो अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको रखते हैं हम साइड में। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको बना लेनी है ये थोड़ा सा मिक्सर बनाएंगे। तो मैं लूँगी एक बर्तन और बर्तन में हम डाल देंगे थोड़ा सा दो चम्मच बेसन और बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें खड़ा जीरा और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार हमें डाल देना है इसमें नमक। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बैटर बन करके तैयार हो जाएगा और इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें घोल एक तैयार कर लेना है। तो जैसे हम नॉर्मल पकौड़ी के लिए घोल तैयार करते हैं ना, उसी तरह हमें इसका घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एकदम से आपको पानी को बिल्कुल नहीं डालना है। धीरे धीरे पानी को डालते हुए इसको अच्छे से हमें फेंट करके तैयार कर लेना, इसमें एक भी लम्स नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए, जिस तरह से हम पकौड़ी बनाते हैं ना, ये उसी तरह से ये बैटर हमारा घुल करके तैयार हो चुका है। तो इसको रखते हैं किनारे में। अब फ्रेंड्स देखिए, ये पापड़ हमारा काफ़ी अच्छा ये सॉफ्ट हो चुका है और यदि आपको लगे कि पापड़ हमारा थोड़ा कम सॉफ्ट है तो आप इसको एक बार पानी में और भिंगो ले। अब हम चलते हैं इसको बनाने। तो ये मैंने जो बैटर घोल करके तैयार रखा हुआ था इसको हमें थोड़ा सा पतला पतला सा इसके ऊपर फैला देना। आपने आज तक तो बेसन की पकौड़ी और कचौड़ी बहुत तो खाई होंगी, पर एक बार इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर बना कर देखें और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ख़ास करके हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। आपके बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं या फिर आपके हस्बैंड चाय में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ली है खास आज कद्दू की सब्जी। इसके जगह आप आलू की फिलिंग भी भर सकते हैं क्योंकि मैंने आज सोच रखा था कि मैं इसको अपने बेटे को आज पूरा हेल्दी, क्योंकि बच्चों के चलना है इस समय एग्जाम तो हमें उस खाने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ये कद्दू की सब्जी बनाई हुई थी। इसकी यदि आपको रेसिपी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। आप इसके जगह आलू की सब्जी भी ले सकते हैं, जैसे हम समोसे के लिए बनाते हैं इसी तरह से आपको आलू को बना करके तैयार कर लेना है। तो अब हम डाल देंगे इसमें चॉप की हुई प्याज, साथ में मैंने डाल दिए थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया जो मैंने बारीक काट लिया है और इसके बाद अब हमें मेन डाल देना है आलू भुजिया सेव, क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ तो बच्चों को आलू भुजिया सेव बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। और मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी और चाट मसाला, ऊपर से थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना, दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ लेना है। तो ये देखिए, दोनों किनारों को मैंने पकड़ लिया है और ये काफ़ी हमारा पापड़ सॉफ्ट है तो ये आसानी से ये दब भी जाता है। तो हम अभी इस साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये पापड़ हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया तो कहीं फट ना जाए, तो मैंने इसको उल्टे साइड से इसको
कवर कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही अच्छा फोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हमें सारे फोल्ड करके तैयार कर लेने हैं। तो अभी आपको समझ में ना आया हो तो मैं अभी दूसरा भी फोल्ड करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही देखने में देखो कितना सुंदर लग भी रहा है। तो बस आपको क्या करना है कि देखिए, मैंने पापड़ को काफ़ी पहले टाइम पे रख दिया था ये भिंगो करके, तो थोड़ा सा ये गीला कम हो गया, थोड़ा सूख गया, तो थोड़ा सा मोड़ने में दिक्कत ही पड़ेगी। तो मैं इसको फिर से पानी में एक बार डुबा दूंगी और तुरंत ही इसको निकाल लाऊंगी। तो ये देखिए, ये पानी से आपको दिख भी रहा होगा कि ये काफ़ी गीला है। अब इस तरह से हम इसको किसी बर्तन में रख लेंगे और इसके बाद सेम सेम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने पहले किया था। और ये प्रोसेस फ्रेंड्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तुरंत ही कर लेना है, क्योंकि पापड़ हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और इस समय काफ़ी गर्मियाँ हैं तो ये जल्दी सूखने भी लगता है। तो इस तरह से हम पतली लय बेसन की कर देंगे और इसके ऊपर हम फिर उसी तरह से सारी सब्जी जो हमने कद्दू की ली हुई है और इसके ऊपर डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यदि आपके पास पनीर है तो फिर तो बात ही कुछ अलग है, पनीर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें आलू भुजिया और जो मेरे पास थी सामग्री मैंने उसी को डाल दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किनारे से आप किसी साइड से पकड़ सकते हैं, बस दोनों साइड से आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से चिपका देना है, ये आसानी से चिपक जाएगा। और इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी से पलट गया है। अब हमें किनारे से पकड़ते हुए इसको फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इसको और फोल्ड करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्नैक बनकर के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। अब चलते हैं इसको हम फ्राई करने। तो आपको ले लेना फ्रेंड्स कढ़ाई, आप कढ़ाई की जगह तवा भी ले सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे कुछ थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि यदि आपको इसको बरबर सैलो फ्राई करना है तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और यदि पूड़ी की तरह इसको तलना है तो आप पूड़ी की तल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको जैसे ही सुविधा समझ में आए उस तरह से इसको आप बना सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल दिया है। इसको थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है, बिल्कुल तेज़ गैस नहीं रखनी है, क्योंकि हमने इसमें जो अंदर बेसन लगाया हुआ है उसको हमें पकाना भी है। यदि बाई चांस आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो भी जाता है, आप भूल जाते हैं, तो आपको तुरंत गैस को ऑफ कर देना है। जैसे ही आप पापड़ को डालें गैस को ऑफ कर दें और इसके बाद इसको धीमे धीमे से उलट पुलट करके इसको क्रिस्पी होने तक सेक लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से चारों तरफ से इसको पलट करके, ये बहुत आसानी से पलट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ये टूटेंगे ना फटेंगे और ना ही आपके ये बिखरने वाले हैं। तो इसी तरह से मैं देखिए फ्रेंड्स सारे पापड़ों को अच्छे से पलट करके चारों तरफ से सेक लूँगी। और इसीलिए मैंने धीमी गैस में रखा है क्योंकि हमें इसके अंदर का जो बेसन हमने पतला पतला लगाया था उसको हमें पका लेना। पापड़ तो बहुत ही पतला रहता है, ये बहुत जल्दी सिक जाता है, पर हमें इसको धीरे धीरे से अंदर की जो सामग्री है उसको अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से आपको धीमी आँच में बराबर पलटते रहना है। यदि आप पलटेंगे नहीं तो ये आपके पापड़ जल जाएंगे। और जैसे ही आपका ऑयल ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आप गैस को फिर ऑन कर लीजिए, या आप इसको बिल्कुल स्लो रखिए और इसी तरह से बस कुछ मिनट तक इसको सेकते रहिए, ये बहुत जल्दी सेक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सिक चुके हैं। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। आप बटर पेपर रख करके इसको रख सकते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा सोख लेगा। इसके बाद हम इसी तरह से सारे अपने फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत ही अच्छे सिक करके तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हैं। अभी मैं इनको आपको पास से दिखाऊंगी कि ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब मैंने बेटे को अपने ये दिया तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने इसको एक मिनट में बना करके दिया है। और ये बहुत ही क्रिस्पी है, उसको पापड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद रहते हैं और हमारे जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, खास करके हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको आप ज़रूर बनाइए। खास बात ये है कि इसमें समय भी आपका बहुत कम लगेगा
था और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली हुई हैं। तो ये देखिए मैंने काट के भी दिखा दिया है, तो ये हमारा स्नैक बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको जो बचे हुए हैं उनको भी सारे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सारे बना करके तैयार कर लेना है, तो है ना कितना आसान। तो फ्रेंड्स इस बार बनाइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरी चैनल पर यदि नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी पुष्पा इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर और आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाना सिखाती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं।